हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फिर से न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रही है कार से, क्योंकि सुबह से काम में इतना बिजी थे तो टाइम नहीं मिला। अब फुर्सत से बैठे हैं तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से भी मिलना ज़रूरी है। और ब्लॉग हमेशा हमारे लेट हो जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ब्लॉग हमेशा हमारा लेट रहता है। उसके लिए सॉरी। और मैं जा रही हूँ आज तुषार का डीएल बनवाने के लिए, क्योंकि तुषार को कार अच्छे से चलानी आ गई है। अब इनका बनेगा डीएल, तो निकले हैं वहाँ के लिए फटाफट। आज वैसे धूप काफ़ी तेज़ है, आज बादल नहीं है, हल्का है बादल, लेकिन गर्मी बहुत है आज। सिल्वर लाइन है ये जा रहे हैं बाइक लिए हम लोगों के पीछे से, क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी तो इन्होंने कहा मैं बाइक लेकर चलता हूँ तो फ्रेंड ये रहा आज का मौसम। मौसम कुछ धूप है, कुछ बादल है, और ट्रैफिक काफी ज्यादा हो रहा है इस टाइम भी। तो मैं आरटीओ ऑफिस पहुंच गई हूँ, और यहाँ इतनी भीड़ है भाई, पता नहीं कितने लोग डीएल बनवाने के लिए आते हैं। तो फाइनली जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया है, अब हम लोग फिर वापस घर पे चल लिए हैं। और गर्मी इतनी है कि हम लोग निकलते नहीं हैं कभी बाहर, मैं नहीं निकलती हूँ बहुत कम, तो ऐसा लग रहा था अब जाके बस नहाना पड़ेगा। इतना नहा के आए थे तुरंत, और तुरंत ऐसा शरीर हो गया, बहुत गर्मी है आज। तो उसका और क्या लें बता, उधर चलो कुछ पनीर वनीर ले ना, छाछ का देख लो चलते थोड़ा। ये हुई ना बात देखो ये इसमें का छोटा पीस दे, सारे एक एक ले लो, बात कर दो। ये चटपने की चीज़ें ज़्यादा चाहिए, यही तो वो अभी टेस्ट करा रही थी। हाँ तो कभी तो कह रहा हूँ ले लो, ये तो है मैडम, इसमें हवा है ज़्यादा, देख लो इधर कहीं हो तो। इधर है नहीं ठीक है, कब तो आ गया? एक और रखो ना, दो आते हैं कि नहीं? हाँ तो ठीक है ले लो फिर ले लो। रेड केला तो सर कहाँ बनाना रेड तो हम लोग जा रहे थे घर पे, फिर हम लोगों का मूड चेंज हुआ कि कुछ रिलायंस चल के कुछ सामान लेते हैं, और रिलायंस जब पहुंच गए तो सामान जो नहीं लेना था वो भी ले लिया, जो सोचा नहीं था वो भी ले लिया। और मोनिका आ गई है घर पे अपने कॉलेज से, वो खड़ी है गेट पे इंतजार कर रही, मैंने कहा कि चाबी लेके जाओ, लेकिन नहीं जल्दी नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे, और लेट के चक्कर में अब हम लोग उनसे ज्यादा लेट हो गए। अब वो कर रही है वेट, बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। कितने गच्चा है इस रोड पे, हम लोगों ने सोचा था मैंने तुषार ने की गरम गरम हम लोग पिज्जा खाएंगे पिज्जा हट में मोनिका ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो रात के बज गए हैं 8:30, और मैं गई थी मार्केट राखी लेने के लिए, इतनी भीड़ थी कि ब्लॉग बनाने का भी याद नहीं रहा तो राखी तो लेकर आ गए, आपको दिखाते हैं कैसी राखी लाए हैं। तो ये राखी लेकर आए हैं हम, और राखी है बड़ी महंगी राखी है यहाँ भाई। और ये आ गई है मिठाई रक्षाबंधन के लिए, फिलहाल मैं तो गांव पहुंच नहीं पाई तो बच्चों के लिए लाए हैं।
भाई रात में घर में आवाज आई थी थोड़ी सी खट की, और ये मम्मी डोल दी है। अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1:41 हो रहे रात के, मतलब 2 बज गए मान लो। तो मम्मी कह रही बालकनी चेक कर लेते कोई कुछ चोर तो नहीं। तो मैंने बोए थे जौ नाग पंचमी से 2 दिन बाद बोए थे, मैं भूल गई थी, और अब ये इतने बड़े हो पाए हैं। आज है इनका लास्ट डे, आज है रक्षाबंधन। तो वैसे तो हम ऐसा काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी भूल के कारण थोड़े छोटे ही रह गए। चलो कोई बात नहीं, त्योहार तो हो जाएगा। चलो मोनिका कर रही है पूजा, और पूजा के साथ साथ इनके राखी बांधी जा रही है, जो कि हमारे यहाँ रीति है ऐसी कि इनके भी राखी बांधते हैं। जबे चढ़ा और इनकी जबों के से पूजा होती है। बस जल चढ़ाओ थोड़ा। और मंदिर में भी पूजा हो गई है। Two hours later. तो मुहूर्त हो गया है राखी बांधने का, 1:30 बजे का टाइम था, और अब राखी बांधेंगी मोनिका तुषार को। चलो भाई शुरू करो। उल्टे में सीधे में। पहले टीका लगाओ फिर राखी पहले बांधो। पानी रख लिया। कुछ सिर पे तो रख लेते रुमाल रुमाल। चलो छोड़ो, हाथ रख तो लिया। इधर एक लोग ये राखी बंधवाने के लिए बैठे हैं। सुबह एक राखी रख के जेब में ले गए, वो वही छोड़े आए दूसरी राखी बंधने की। बुलंदशहर से बंधवाने आए राखी मेहमान लोग। तो गाइस शाम का वक्त हो गया है, तो इनको सुबह पूजा कर दी थी और मीठा खिला दिया था, अब इनको झूला झुलाना है। तो मैंने झूले के लिए ये कुछ टेम्परेरी सा सिस्टम बनाया है इनके झूला झुलाने के लिए, क्योंकि और कुछ सूझ नहीं रहा था। तो इनको ऐसे मतलब एज अ फॉर्मेलिटी होती है कि झूला झुलाना, तो वो कर दे रहे हैं। तो ये हो गया झूला झुलाना। Two hours later. तो गाइस गरम गरम पूड़ी तली जा रही है, आ जाइए और खा लीजिए। और ये इधर बन रही है अरबी की सब्जी, फ्राइड अरबी। डालिए काटो।
चिपक रही। कानों में लग रहे हैं जौ, जो कि हमारे जौ लगाए जा रहे हैं कानों में, शाम को लगती हूँ। ये कमेंटेटर इनका ये बोलेंगे तो एक ही तरफ लगते हैं। ठीक है, अब मेरी बारी लग गई जो हो गया था। कल तक लगा रहे हैं ना इन्हें, एक हफ्ते तक, जन्माष्टमी तक। क्यों जन्माष्टमी तक नहीं लगाते हैं?